ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और मिया खलीफा ने कल अचानक भारत में चल रहे नकली किसान प्रदर्शनों को लेकर एक के बाद एक ट्वीट किए। भारत के लिबरलों को इस प्रकार अमेरिकी वामपंथियों का साथ मिलना दर्शाता है कि कैसे अब दुनिया का यह लिबरल कबार भारत की मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ आ चुका है। जिस प्रकार इन सभी सेलिब्रिटीज ने एक साथ एक ही दिन भारत सरकार की निंदा करने के मकसद से ये ट्वीट्स पोस्ट किए हैं, उसे स्पष्ट होता है कि यह मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे एक वैश्विक आंदोलन का ही हिस्सा है। भारत सरकार भी इस लिबरल गैंग के खिलाफ मोर्चा संभाल चुकी है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सभी लोगों को कोई भी टिप्पणी करने से पहले सभी तथ्यों की सही जाँच करने की नसीहत दी है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कि दुनिया भर के लेफ्ट लिबरल्स किसान आंदोलन के मुद्दे पर कैसे भारत सरकार के खिलाफ अब एक साथ आ गए हैं। लेकिन भारत सरकार भी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। हाल ही में किसान आंदोलन की बढ़ती हुई अराजकता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कई जगह इंटरनेट को निलंबित करने का निर्णय किया। इस पर वामपंथियों ने स्वभाव अनुसार हो हल्ला मचाया और यह बात जल्दी दुनिया भर में प्रचारित होने लगी। अमेरिका के CNN ने तो आग में घी डालते हुए अपने आर्टिकल का शीर्षक लिखा, किसान आंदोलन के मद्देनजर भारत ने नई दिल्ली के आसपास काटा इंटरनेट। फिर क्या था, कई वामपंथी हस्तियों का हृदय पसीजने लगा। अमेरिका की चर्चित सिंगर रिहाना ने तुरंत ट्वीट किया, आपको नहीं लगता हमें इसके विरुद्ध कुछ करना चाहिए, #FarmersProtest। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो एक एक करके कई वामपंथी हस्तियां इन अराजकतावादियों के समर्थन में ट्वीट करने लगी। पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने पूछा, क्या ये गलत नहीं है? इसके बाद इन अराजकतावादियों के पैसा खाने के आरोपों पर ट्वीट किया, यह पैसे देकर आए हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बहुत अच्छा है, उम्मीद करती हूँ कि ये अवार्ड्स में भी पीछे ना छोड़ दिए जाए, मैं किसानों के साथ हूँ। अब ऐसे में ग्रेटा थनबर्ग कैसे पीछे रहती? उसने भी एक ट्वीट में इन अराजकतावादियों को महिमा मंडित करते हुए लिखा, मैं इन किसानों के साथ हूं और आप? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सभी ट्वीट्स जानबूझकर भारत को बदनाम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार भी इस विषय पर मौन नहीं रही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक अहम ट्वीट में बताया, काफी गहन चर्चा के बाद देश की संसद ने किसानों के अधिकारों को बल देते हुए कृषि कानून में संशोधन किए। कुछ किसानों को इससे आपत्ति है जिसके लिए सरकार उनसे कई बार बातचीत कर रही है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग विरोध के नाम पर देशद्रोही कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे विषयों पर कमेंट करने से पहले आवश्यक है कि सभी तथ्यों को समझा जाए और फिर सोच समझकर बात हो। सोशल मीडिया हैशटैग्स और कमेंट्स की लालसा में सेंसेशनलिज्म को बढ़ावा देना ना तो सही है और ना ही जिम्मेदारी का परिचय देता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना ट्रेंड रहा है जो वामपंथी चलाते आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी जब CA के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर थे तो कुछ हॉलीवुड हस्ती ऐसे भी थे जो बिना सोचे समझे PM मोदी के हिटलर तक से तुलना कर रहे थे। इनमें सबसे आगे रहे 2012 फेम अभिनेता जॉन कुसैक, जिन्होंने कुछ ही हफ्तों पहले दुआ की कि नरेंद्र मोदी को भी ट्रंप की तरह सत्ता से हाथ धोना पड़े। खैर, जैसे बिच्छू अपनी आदत से बाज नहीं आता और जान बचाने वाले को ही डंक मारता है, कुछ ऐसे ही ये दुनिया भर के वामपंथी हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वामपंथी विचारधारा चाहे जैसी भी हो, पर इनकी एकजुटता पर कभी सवाल मत उठाना। ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज के भावुक और अज्ञानता से परिपूर्ण ट्वीट्स देखकर भी आप समझ गए होंगे।